असलम एंड वेलकम अगेन तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पेनिंग सेट्स ये उसी के रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कुछ लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है देखिए व्हाट इज स्पेनिंग सेट आपके पास अगर एक वेक्टर स्पेस है वी ठीक है लेट वी बी ए वैक्टर स्पेस और अगर वैक्टर स्पेस होगा तो ओवर फील्ड होगा सपोज ओवर के और एफ ठीक है अगर हम इसमें से वेक्टर्स चूज करेंगे याद रखना स्पेनिंग सेट जो होता है इसमें वेक्टर्स होते हैं और हम जानते हैं कि वेक्टर्स वी में होते हैं तो अगर हम इसमें से वेक्टर्स चूज करेंगे वैक्टर्स कौन से वैक्टर्स सपोज उनको हम नाम रखेंगे यू वन यू टू सपोज अप टू यू एम ये वैक्टर्स द सेट ऑफ वैक्टर्स इज ए स्पेनिंग सेट ये स्पेनिंग सेट है किस का है वी का क्लियरली बिकॉज दीज वैक्टर्स आर फ्रॉम वी और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द वेक्टर्स यू वन यू टू यू एम बिकॉज हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं आर ठीक है स्पेन का क्या मतलब है स्पेन का मतलब है एक्सटेंड करना ठीक है ये स्पेन करेंगे किसको करेंगे स्पेन वी को करेंगे स्पेन कब अगर अगर यहां पर हम कोई भी वेक्टर लेंगे फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी इफ फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ए वन ए टू सो ऑन अप टू ए एम जितने वेक्टर्स होंगे उतने ही स्केलर्स भी होंगे और स्केलर्स कहां से होते हैं बिलोंग्स टू के सच दैट इस V को हम अगर लिख सकें किस में ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस सो ऑन अप टू ए एम यू एम तो आपने क्या समझा देखिए हम V एक वेक्टर स्पेस लेंगे और फील्ड लेंगे के देन द वेक्टर्स u1 u2 अप टू um इन V आर सेट टू स्पेन वी ये होल वेक्टर स्पेस को स्पेन करेंगे कब अगर हम किसी भी वेक्टर को लेंगे इफ फॉर ऑल वी वी टू देर फ्रॉम के सच दैट वी इज इक्वल टू दिस इसका क्या मतलब है इफ एवरी वेक्टर बिकॉज फॉर ऑल की बात है इफ एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लेनियर कंबिनेशन ऑफ दीज वैक्टर्स है ना दैट इज इफ एवरी वेक्टर अगर कोई भी वेक्टर v इफ एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू वी कैन बी एक्सप्रेस एज अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे हर कोई वेक्टर देयर एग्जिस्ट की बात नहीं है हर कोई वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज कंबिनेशन ऑफ वेक्टर्स कौन कौन u1, u2, वन यू टू सो ऑन अपू यू है तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे हम देखेंगे हम एक सेट लेंगे u1 हम कुछ वेक्टर्स लेंगे और यहां से एक वेक्टर स्पेस लेंगे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर स्पेस को स्पेन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं देखें, आपके पास एक वेक्टर स्पेस आर थ्री है ठीक है मैंने इसमें से वेक्टर्स चूज किए ई वन वन जीरो जीरो ई टू जीरो वन जीरो एंड ई थ्री जीरो जीरो वन इसको आप नाम दे सकते हैं यू वन यू टू यू थ्री उतना मसला नहीं है क्या ये वेक्टर्स इस वी को स्पेन करेंगे यही है ना क्वेश्चन तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है सोल्यूशन हमें क्या करना है हमें यह करना है कि कोई भी वेक्टर यहां से लेंगे कोई भी वेक्टर बिकॉज़ फॉर ऑल है तो हम सपोज हम लेंगे कोई भी वेक्टर इन उसकी फॉर्म क्या होगी ये आर क्यूब है उसकी फॉर्म होगी ए बी सी है ना थ्री टपल लेट वी इज इक्वल टू ए बी सी तो अब मुझे क्या शो करना है दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्केलर स्के वन प्लस टाइम ई टू प्लस स्केलर टाइम्स ई थ्री देर फोर अगर आप देख सकते हैं दिस ए बी सी कैम रिटर्न एज ए वन जीरो जीरो लिख सकते हैं बी जीरो वन जीरो प्लस सी जीरो जीरो राइट यू कैन सॉलो दिस दिस इज ए प्लस जीरो प्लस जीरो दुन नहीं आएगा बी आ जाएगा प्लस जीरो प्लस जीरो फिर क्या आ जाएगा सी तो ए बी सी इज इक्वल टू दिस तो हमने लिखा ए बी सी इज इक्वल टू ए टाइम यू वन प्लस बी टाइम दिस प्लस सी टाइम दिस वायर ए बी सी क्या है ये तो स्केलर से बिकॉज हम बात कर रहे हैं आर क्यूब ओवर आर दीज ए बी सी आर फ्रॉम स्केलर्स तो हमने लिखा दिस वी इज इक्वल्ड ए टाइम्स दिस वेक्टर प्लस बी टाइम्स दिस वेक्टर प्लस सी टाइम्स दिस वेक्टर इट मीनस दिस सेट ऑफ वेक्टर्स ए वन ए टू ए थ्री स्पेन होल आर क्यूब तो यहां पर हम लिख सकते हैं यस yes. इसका क्या मतलब है देयरफॉर e1 e2 e3 spans span spans r3 okay or we can write this even e2 e3 for a spanning set for a spanning set because many कोई भी वेक्टर ले लिया सपोज ए बी सी फिर आप यहां पर कोई भी ले सकते हैं वन टू थ्री वन जीरो 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 वन जीरो वन टू फाइव इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं सेट ओके okay? तो आप ले सकते हैं सपोज ठीक है जब हम आगे बढ़ेंगे ना यही बनाएगा इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस ठीक है वो हम अलग से पढ़ेंगे देखिए हम लिख सकते हैं ना कोई भी वेक्टर ले लीजिए आप सपोज वन टू फाइव वन टू फाइव यहां से हमने कोई भी वेक्टर ले लिया इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू ए वन प्लस टू इंटू ए टू प्लस फाइव इंटू ए थ्री कोई भी ले सकते हैं सपोज वन जीरो टू वन टाइम्स ए वन जीरो टाइम्स ए टू प्लस टू टाइम्स ए थ्री कोई भी वेक्टर हम ले सकते हैं ठीक है, है? देखिए एक और एग्जांपल है v इज इक्वल टू आर क्यूब वही वेक्टर स्पेस है है ना ओवर आर ये तो ट्रिवियल है डज U1 वन इज इक्वल टू दिस यू टू इज इक्वल टू दिस यू थ्री इज दिस स्पेन आर थ्री को समझिए बेसिक्स हमेशा क्लियर कीजिए अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते ठीक है इसको आप क्लियर कीजिए आपको साफ आ रहा है यस लाइट चली गई देखते हैं क्या इसको स्पेन करता है तो हम क्या करेंगे देखिए हम कोई भी वेक्टर लेंगे यहां से आर क्यूब में कौन से वेक्टर उसकी फॉर्म होगी सपोज V इज इक्वल टू ए बी सी यही है ना अगर ये इसको स्पेन कर सकता है तो हम इस ए बी सी को हमें लिखना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डीज वेक्टर्स देखिए ए बी सी वी हैव टू फाइंड सम स्केलर्स है ना हमें स्केलर्स फाइंड करने हैं अगर हमें फाइंड हो गए तो हम कह सकते हैं कि हमने इसको लीनर कॉम्बिनेशन में लिखा वी हैव टू फाइंड स्केलर्स उनको हम नाम रख सकते हैं सपोज एक्स वाई एंड जेड मैंने आपसे पहले ही कहा है दिस इज द कंटिन्यूड पार्ट ऑफ लीनियर कंबिनेशन ऑफ एक्टर्स ये उसी का दूसरा पार्ट आप मान के चल सकते हैं ठीक है एबीसी इसका क्या मतलब वी हैव टू फाइंड एक्स वाई इन जेड एंड दीज मस्ट बी फ्रॉम आर स्केल फील्ड ओके एक्स टाइम यू वन यू वन क्या है वन 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 यही है ना प्लस वाई टाइम वन वन जीरो प्लस जेड टाइम वन जीरो जीरो तो यहां पर आपको इक्वेशन बनेंगे कौन कौन इक्वेशन बनेगी इट एम्प्लाइज बिल्कुल सेम x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू ए यही है ना हमें फाइंड करने हैं वैल्यूज x की y की और z की यहां पर एक और इक्वेशन है ना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वहां क्या आ जाएगा x प्लस वाई यहां तो जीरो है इज इक्वल टू बी फिर आ जाएगा एक्टर एक्स सिंपली एक्स इज इक्वल टू सी ओके तो एक्स तो हमें मिल गया सी क्या है सी तो फ्रॉम रियल इज है इट मीन दिस इज स्केलर एक्स तो मिला यहां से आप बैक सबस्टन यहां से हमें मिल सकता है वाई फ्रॉम सेकंड वाई किसके बराबर होगा बी माइनस एक्स तो एक्स का मतलब क्या है बी माइनस सी हो गया वाई बी तो हमें एक्स भी मिला वाई भी मिला वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड वी आर वी हैव फाउंड स्केल तो जर भी मिल सकता है यहां से एंड फ्रॉम फर्स्ट सब ए माइनस एक्स माइनस वाई यही है ना इसका क्या मतलब है ए एक्स किसके बराबर आ गया सी वाई किसके बराबर आ गया माइनस टाइम बी माइनस सी माइनस बी प्लस सी सी और सी कैंसल ए माइनस बी तो हमें स्केलर्स मिल गए देखिए हमें स्केलर्स मिल गए तो हम इसको मिटा सकते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डियर फोर डियर फोर ए बी सी इज इक्वल्ट और वी इज आ गया किसके एक्स टाइम्स एक्स के बदले वैल्यू दीजिए सी टाइम्स वन 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 प्लस आ, वाई के बदले क्या देंगे हम बी माइनस सी बी माइनस सी वन वन जीरो कॉन्सेप्ट को समझिए कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए जेड के बदले जड के बदले ए माइनस बी यहां पर अपना वेक्टर तो इसका मतलब है कि दीज वेक्टर्स यू वन U2 एंड याद नहीं रखना है अगर आप रख सकते हैं एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ उल्टा पलट दिया गया है वहां पर तो आप फिर नहीं कर सकते इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा कि हमें किस अंदाज से क्वेश्चन को टैकल करना है ठीक है मैंने अभी कहा है कि ये टॉपिक्स एमएससी के बाद भी बहुत काम आने वाले हैं नेट में ठीक है इसलिए इनको आप अच्छी तरह से क्लियर करके रखिए ठीक है थीके? तो इसने भी इसको स्पेन स्पेन किया है ठीक है देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है इससे पहले मैं इस पे आ जाऊं आपको मैं एक चीज क्लियर करता हूं मैंने आपसे ये भी कहा है कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स यू वन यू टू अपू एम स्पेन वेक्टर स्पेस इफ एवरी वैक्टर इन वी हर कोई वैक्टर इफ एवरी वेक्टर इन वी कैन बी रिटर्नियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यू वन यू टू यू एम तो इसका क्या मतलब है अगर हमने हर कोई वैक्टर लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर्स तो हम कहेंगे कि यू वन यू टू अपू यू एम स्पेन वैक्टर स्पेस तो इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको दिखाना होगा सेट ऑफ वेक्टर्स डू नॉट स्पेन वी यू वन यू टू एम डज नॉट स्पेन वी इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है वी अगर हमारे पास कोई वेक्टर वी है ठीक है अगर उसको हमने नहीं लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ठीक है तो हम कहेंगे कि दीज टाइप ऑफ वैक्टर्स डू नॉट स्पेन वैक्टर स्पेस ओके तो इसी के रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है वी इज इक्वल टू टू सेवन एट कैन वी राइट दिस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1, u2, u3, टू यू थ्री ठीक है अगर हमने नहीं लिखा तो हम कहेंगे हमारे पास एक वेक्टर मिल गया R3 में जिसको हम लीनियर कंबिनेशन में नहीं लिख सकते इट मी डज इट मीन इट दैट डू नॉट स्पेन आर थ्री बिकॉज हमारे पास एक वेक्टर मिल गया जो कि हम नहीं लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैक्टर्स बिकॉज डेफिनेशन दैट एवरी वैक्टर मस्ट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वैक्टर्स ओके तो आ जाइए क्या हम लिख सकते हैं इसको देखिए अगर हम अगर हम इसको लिखेंगे ठीक है तो हमें फाइंड करने होंगे स्केलर्स अगर वो फाइंड नहीं हुए तो इसका मतलब है हम इसको नहीं लिख सकते ओके सपोज लेट एक्स वाई एंड जेड बी बी स्केल ओके हमें इनको फाइंड करना है ओके सच दैट टू सेवन एट इज इक्वल टू यानी वी इज इक्वल टू एक्स टाइम दिस है ना प्लस वाई टाइम्स प्लस जेड टाइम्स वन फाइव नाइन ओके इसका क्या मतलब हुआ यहां पर तीन इक्वेशन बनेगी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया है इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू टू एक इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू सेवन फिर क्या जाएगा ठीक है तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है हम अब कैसे करेंगे याद तो होगा ही आपको एक्लॉन फॉर्म से ठीक है बिकॉज यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो हम इसको वैसे ही करेंगे ठीक है तो इसको मैं मिटा सकता है ना तो अब देखते हैं अब हम कैसे करेंगे इसके आगे तो आसान है हम मैट्रिक्स बनाएंगे वन 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 यहां पर होंगे ये बी है ना टू थ्री फाइव ओके थ्री फाइव नाइन यहां पर है सेवन यहां पर है एट तो अब हम क्या करेंगे इसको जीरो बनाएंगे इसको जीरो बनाएंगे ठीक है इसको भी जीरो बनाएंगे है ना तो हम कर सकते हैं अब हम इसको मिटा सकते हैं ना तो हम कर सकते हैं रो टू जो है ना इसको हम कर सकते हैं रो टू माइनस टू तो टाइम्स रो वन है ना और रो थ्री जो है इसको हम कर सकते हैं रो थ्री माइनस थ्री टाइम्स रो वन ये ना तो आ जाइए यहां ये तो सेम रहेगा वन वन टू माइनस टू हो गया जीरो ओके टू माइनस टू हो गया जीरो थ्री माइनस टू हो गया वन ओके फाइव माइनस टू हो गया थ्री सेवन माइनस फोर हो गया फाइव फिर थ्री माइनस थ्री जीरो फाइव माइनस थ्री टू नाइन माइनस थ्री सिक्स एट माइनस सिक्स टू अब मुझे क्या करना है इसको जीरो बनाना है तो अब हम ये और ये रूल लेंगे ठीक है ये और ये नहीं क्यों अगर मैं ये और ये लूंगा यहां पर फिर नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी तो ये तो खामखा मेरे लिए मुश्किल है ठीक है तो अब हम अप्लाई करेंगे रो थ्री को अप्लाई करेंगे रो थ्री माइनस टू टाइम्स रो वन क्या आ जाएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मतलब ये दिस दिस टू ये one, 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 है. ये है ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज दिस रो इज क्लियर नाउ फाइव अब हम यहां आ जाए जीरो यहां पर भी जीरो यहां पर भी आ जाएगा जीरो यहां पर आ जाएगा टू माइनस फिफ्टीन हो गया माइनस थ्री थर्टीन तो इसका क्या मतलब है अब हमारे पास इक्वेशन आ गई ठीक है अब मैं इसको भी मिटा सकता हूं ये अब हमारे किसी काम की नहीं इसको भी मैं मिटा सकता हूं देखिए अब हमारे पास क्या आ गया इसका मतलब है अगर आपको यही से दिखना होगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा ये प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फाइव है ना ये क्या है जीरो इज इक्वल टू माइनस थर्टीन इज इट ट्रू नो बट दिस इज इम्पॉसिबल दिस इज इम्पॉसिबल इट मीन्स दैट इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा वी कैन नॉट फाइंड एक्स वाई एंड जेड बिकॉज अगर यहां से अगर मिल सकता है मुझे दो वैल्यूज ही मिल सकते हैं है ना तो इन इक्वेशन से मुझे तीन वैल्यूज नहीं निकल सकते ठीक है और उतना भी जाना नहीं है यहां पर जीरो इज इक्वल टू तो माइनस थर्टीन विच इज नॉट पॉसिबल दियर फो वी कैन नॉट फाइंड सिकलर एक्स वाई एंड जेड है ना अगर यहां पर एक रो जीरो आ गया है ना अगर यहां पर एक रो जीरो आ गया और वहां से कोई नॉन जीरो एंट्री है इट मीनस There does not exist a solution to the system. Okay. Therefore, we cannot, therefore, we cannot find x1. We cannot find scalars. We nahi find kar sakti and z. What does that mean? This we cannot be written as linear combination of so is will be No. अगर हम इसको नहीं लिख सकते हैं लीनियर कंबिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, व्हाट डज दैट मीन इट मींस दैट दी सेट ऑफ वेक्टर्स यू वन यू टू वी थ्री यू थ्री डज नॉट स्पेन आर थ्री बिकॉज मैंने एक वेक्टर वहीं से लिया है देयरफॉर फोर यू वन यू टू एंड यू थ्री डज नॉट स्पेन आर थ्री आ बात समझ में अब Okay? एक और एग्जाम्पल है मैंने लिया है वेक्टर स्पेस कौन सा वेक्टर स्पेस पी एन टी मैंने आपको समझाया है पी एन टी में क्या होते हैं पॉलिनोम ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू एन मतलब एट मोस्ट एन सपोज अब हम इसका स्पेनिंग सेट देखते हैं कि इसका कौन सा सेट ऑफ वेक्टर्स होगा जो इसको स्पेन करेगा सपोज मैं एग्जाम्पल लूंगा सपोज मैं एक पॉलिनोम लूंगा लेट सपोज एक पॉलिनोम है पी ऑफ टी सपोज वन प्लस टी प्लस टी ये एक पॉलिनोम है वन प्लस टू टी प्लस थ्री टी स्क्वायर ओके क्या ये इसमें है यस कोई भी पॉलिनोम ले लिया है पी एन टी बिकॉज इसकी डिग्री टू है एट मोस्ट एन तक है, देखिए क्या मैं इस पॉलिनोमियल को लिख सकता हूं है ना देखिए इसको मैं लिख सकता हूं वन इंटू वन ओके प्लस टू इंटू टू टी प्लस थ्री इंटू यहां पर स्क्वायर है टी स्क्वायर ओके तो मैंने इसको लिखा है वन इंटू वन टी टू इंटू टी थ्री इंटू टी इसको लिख सकता हूं वन इंटू टी पावर जीरो समझाने के लिए बाकी ये मसला नहीं थ्री इंटू टी स्क्ल को मैंने लिखा है इन दिस फॉर्म तो क्या मैं कह सकता हूं क्या मैं कह सकता हूं देर फोर यू वन इज इक्वल टू वन यू टू इज इक्वल टू टी यू थ्री इज इक्वल टू टी स्क् है ना मतलब मैंने क्या लिखा है दिस पॉलिनामियल इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैक्टर्स दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वैक्टर्स ओके उसको आप रहने दो फिलहाल अगर मैं एक और पॉलिनामिल लूंगा सपोज टू टी प्लस फोर टी स्क्वेयर प्लस फाइव टी क्यूब प्लस प्लस सपोज टू टी पावर एन ध्यान रखिएगा ये एक पॉलिनोमियल था कोई रैंडम पॉलिनामियल मैंने इसको लिखा है लीनियर कंबिनेशन ऑफ कौन कौन टीप वन टी टी स्क्वायर ओके क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे याद रखिए वन इंटू टी पावर जीरो सॉरी ये टू टी है तो मैं लिख सकता हूं इसको जीरो है ना इंटू जीरो बिकॉज यहां तो कुछ नहीं है जीरो इंटू वन ओके जीरो इंटू वन प्लस टू इंटू टी प्लस फोर इंटू टी स्क्र प्लस फाइव इंटू टी क्यूब प्लस सो आन टू इंटू टी पावर एन तो आप क्या समझे इससे इससे आप समझे हैं कि इस पॉलिनोमियल को मैंने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कौन कौन वेक्टर वन टी टी स्क्वेयर क्यूब टी पावर एन है ना? तो इसका मतलब है अगर आप कोई भी पॉलिनामिया लेंगे ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम लिए दो पॉलिनामियल अगर आप कोई भी पॉलिनामिया लेंगे इसको आप लिख सकते हैं लीनियर कंबिनेशन ऑफ दीज पॉलिनामियल दीज पॉलिनियल वन इसका मतलब है टी पावर जीरो क्या मतलब है क्टर कौन वैक्टर यू वन इज इक्वल टू वन और इसको लिख सकते हैं यू टू इज इक्वल टू टी यू थ्री इज इक्वल टू टी इक्वल टू टी एन प्लस वन है ना ये टू था यहां पर वन था सॉरी यहां पर टी एन माइनस वन होगा ओके, टी एन माइनस वन होगा तो ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है ना टी नॉट टी वन टी स्क् टी क्यूब सो ऑन इसको ये इस वेक्टर स्पेस को स्पेन span करेगा स्पेन v इज इक्वल टू पी एन टी आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए इसको आप लिख सकते हैं linear combinations of these vectors. Okay. तो यहां पर देखिए आप वन टी टी स्क्वायर टी क्यूब टी एन माइनस वन लेकिन हमें चाहिए टी पावर एन तक क्यों बिकॉज डिग्री लेस आर इक्वल टू एन है तो हम एक और पालना में ले सकते हैं यू एन प्लस वन इज इक्वल टू टी तो ये कितने पॉलिनाम होंगे अब ये एन प्लस वन पॉलिनाम होंगे है ना वन फर्स्ट पॉलिनाम सेकंड थर्ड अप टू एन प्लस वन तो इसका मतलब है यहां पर आप लिख सकते हैं इसको आप ऐसे ही रिमाइंड कर सकते हैं और इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स भी दिखाए आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ठीक है इसका मतलब है द वेक्टर्स इसका मतलब है कि तो आप इसको लिख सकते हैं द कौन से पॉलिना द एन प्लस वन पॉलिन एन प्लस वन पॉलिनाम कौन कौन दैट इज वन टी टी स्क् वन ऑफ टी पावर एन स्पेन किसको स्पेन करेंगे इस वेक्टर स्पेस को ये स्पेन करेंगे इसका क्या मतलब हुआ यहां से आप कोई भी पॉलिनामे ले लीजिए इसको हम लिख सकते हैं टाइम्स दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स और दीज पॉलिनियल ओके अब मैं एक और वेक्टर स्पेस लूंगा मैट्रिसेस का पहले हमने लिया R3 ठीक है आप आर फोर भी ले सकते हैं है ना आर फोर उसका क्या आ जाएगा स्पेनिक सेट स्टैंडर्ड स्पेनिक सेट वन जीरो 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 फिर क्या आ जाएगा जीरो वन जीरो जीरो फिर क्या होगा जीरो जीरो वन जीरो फिर क्या होगा जीरो इस, इसी तरह आप आर एन तक जा सकते हैं ठीक है यहां पर मैं आपको शो करवाऊंगा एम टू क्रास टू फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं एम थ्री क्रास थ्री एम एन क्रॉस एम सपोज अगर मैं कोई भी वेक्टर लूंगा सपोज मैं कोई भी वेक्टर लूंगा कोई भी फिर आप खुद कर सकते हैं ए बी सी डी क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे ए वन ये भी प्लस बी बहुत आसान है रो प्लस डी अगर आप देख सकते हैं ये इसके बराबर होगा यहां पर ए आएगा यहां पर बी आ जाएगा फिर सी फिर डी तो ये इसके बराबर होगा तो इसका मतलब है ये तो आर्बिट्री कोई भी वेक्टर है है ना कोई भी मैट्रिक्स यहां पर आप लिख सकते हैं सपोज वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर कोई भी वेक्टर ले आप इसको वैल्यूज वन टाइम्स ये मैं लिख सकता हूं वन जीरो 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 प्लस टू टाइम जीरो वन जीरो जीरो तो आपने लिखा होगा प्लस थ्री टाइम्स वन जीरो प्लस फोर टाइम्स तो इस मैट्रिक्स को मैंने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए इसको आप लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मैट्रिसेस कोई भी मैट्रिक्स ओके, व्हाट डज दैट मीन दीज मैट्रिस दीज वेक्टर्स और दीज मैट्रिस बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ वैक्टर स्पेस आर कॉल्ड वेक्टर वेक्टर्स, दीज वेक्टर्स और मैट्रिस स्पेन दिस होल वैक्टर स्पेस ठीक है इसी को आप लिख सकते हैं हेंस इसी तरह आप थ्री क्रॉस थ्री के बारे में लिख सकते हैं फोर क्रॉस फोर के बारे में लिख सकते हैं फाइव क्रॉस फाइव के इसी तरह एन क्रॉस एन तक देयर इसको आप नाम लिख सकते हैं ए क्यों बिकॉज आसानी के लिए जीरो यहां पर जो ये वाली मैट एलिमेंट है एंट्री है 11। वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसकी एंट्री जीरो है E12 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ई वन थ्री का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ई सॉरी ई टू वन सेकेंड रो है ना ए टू टू का मतलब है जीरो 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 वन स्पेन किसको स्पेन करेंगे एम टू क्रास टू तो अगर आपसे कहा जाए कि थ्री क्रास थ्री उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें चार आ गए वहां पर नाइन आ जाएंगे ठीक है जितना ऑर्डर होगा इसका फोर है ना फोर एंट्रीज होंगे टोटल इसमें से तो उतनी ही एंट, उतनी ही स्पेनिंग सेट भी बनेगा ओके तो ये इसको स्पेन करेगा तो हमने आज पढ़ा स्पेनिंग सेट इसके रिलेटेड कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी हम कल पढ़ेंगे फिर हम बेसिस पे आ जाएंगे, ठीक है तो मिलते हैं कल तब तक अल्लाह हाफिज़